हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच आज एबीपी न्यूज आपको उस जगह ले चलेगा जहां कोरोना से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलेगी। यकीन मानिए, ये खबर मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपके काम की है। इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। कोरोना को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब आपको यही मिलेंगे। और ये इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपको इन सवालों के जवाब देना भी जरूरी है। अगर सरकारें नहीं बताएंगी तो हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो हेल्पलाइन नंबर बताएगा। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। लाइन से मेज और कुर्सियां पड़ी हैं, लोग बैठे हुए हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, सामने रजिस्टर भी रखा हुआ। बात करने के बाद रजिस्टर में एंट्री भी की जा रही है। तस्वीरें दिल्ली में कोरोना हेल्पलाइन कॉल सेंटर की है। इस कॉल सेंटर में कोरोना से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया जाता है, जैसे कोरोना कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, बचाव क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इसे चला रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर से यहाँ कोरोना पर जानकारी के लिए लोग फोन करते हैं। सुनिए डॉक्टर राम सिंह को, जो बता रहे हैं कि यहाँ किस तरह के कॉल आते हैं और कैसी जानकारी लोग मांगते हैं। सर, तो ये जो लोग फोन करते हैं तो क्या पूछते हैं आमतौर पे, या क्या कॉल्स आती हैं आप? जी, पहले तो ये लोग फीवर, ये कोरोना के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग पूछ रहे हैं कि पब्लिक यहाँ से लोग गांव में जा चुकी है तो वहाँ लोगों को पैनिक हो गया है। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग वहाँ से दिल्ली से आए हुए हैं या महाराष्ट्र वगैरह से आए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि ये हमको बीमारी तो नहीं हो जाएगी। कॉल जो आती हैं, जब सर शुरू में आई थी तो किस तरह के सवाल आते थे? उस समय तो लोग जैसे कुछ को फीवर हो रहा है, किसी पूछते उसके सिम्टम्स पूछ रहे थे कि सर हमको खांसी है या बुखार आ रहा है, तो हमको कोरोना तो नहीं है। उनको जब ये ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर से, स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर है या जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं वहाँ कह देते हैं, वहाँ डॉक्टर से अपना सलाह लें। ये कॉल सेंटर 25 जनवरी से दिल्ली में शुरू हुआ। 24 घंटे सातों दिन ये कॉल सेंटर खुला रहता है। हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा में ये कॉल सेंटर चल रहे हैं। तीनों कॉल सेंटर में 140 लोग दिन रात काम करते हैं। ये अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? हाल ही में कहीं विदेश घूम के आए हैं? नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है अगर कोई लक्षण नहीं है तो। ठीक है सर। कुछ इसी तरह से कोरोना हेल्पलाइन कॉल सेंटर में हर रोज कोरोना से जुड़ी जानकारी लोगों को दी जाती है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।